हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि रिप के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है। और पूरे इस वीडियो में हम लोग लैब को भी कवर करेंगे कि रिप क्या है। तो ये पूरा जो सेशन रहेगा वो पूरे आपके प्रैक्टिकली बेस्ड रहेंगे। फर्स्ट मैं आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकली पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ से हम अपना सिस्को पैकेट ऐसे ओपन कर लेते हैं और एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। तो एक बार मैं आपको गाइड भी करता हूँ सिनेरियो क्या करने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा रिप का ही है, राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल का है। इसमें काम कैसे करता है हमारे राउटर? जैसे सपोज आपके पास एक राउटर है, ठीक है, और इसमें आपको एक और राउटर ऐड करना है। रिप के अंदर हम कितने राउटर ऐड कर सकते हैं, प्लीज चैट बताइए हमें आप एक बार। रिप के अंदर आप कितने राउटर ऐड कर सकते हैं, यानी जब आप राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जब आप कॉन्फिगर कर रहे हैं तो मैक्सिमम राउटर आप कितने लगा सकते हैं? राइट, कितने? 16 राउटर। 16 राउटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, 16 राउटर आप लगा सकते हैं। 16 राउटर लगाने का मतलब क्या है कि आप जो अपने कंपनी के अंदर, सपोज एक नेटवर्क अलग है, दूसरा नेटवर्क अलग है, वहां पे कई सारे नेटवर्क अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें कई सारे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी कई सारे राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम जब राउटर को ऐड करेंगे ना, तो वहां पे हम राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज करेंगे अगर 16 राउटर है, 16 से कम है तो। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास 3 राउटर है, राइट, 3 राउटर को हमने क्या किया, यहां से कर दिया कनेक्ट। ठीक है, और हर एक राउटर से अलग अलग हम यहां पे जिसके इंटरफेसेस हैं वहां से हम कुछ स्विच ऐड करते रहे। आपके स्विच है, राइट। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे आईपी इसको देता हूँ, मैं यहाँ पे आईपी असाइन करता हूँ कि क्या रेंज आईपी है, जो ये नेटवर्क है इसकी आपकी आईपी रहेगी 192.168.1.1 का, राइट। ये रहेगा आपका 2.1 का, ये आपका 3.1, 4.1, 5.1 और 6.1, राइट। तो इस पे हमने टोटल क्लास सी का रेंज लिया। एंड जो आप राउटर को ऐड कर रहे हो, ये भी तो आपका एक इंटरफेस ही है, यानी आपका यहां से यहां तक एक नेटवर्क है ना दो राउटर के बीच में, तो ये आपका अलग नेटवर्क है, तो यहां पे भी आपको आईपी चाहिए। तो इस पे हम लेते हैं क्लास ए का रेंज, बी का कोई भी रेंज ले सकते हो, या क्लास सी का भी रेंज आप ले सकते हो, डिपेंड करता है आपको, जो भी आप नेटवर्क लेना चाहो ले सकते हैं। तो यहां पे हम लेते हैं क्लास ए का रेंज 10.0.0.1 का, राइट, और हम लेते हैं 11 का। ठीक है, तो कितने नेटवर्क टोटल हमारे हो गए यहाँ पे, आप गिन पा रहे हैं? यहाँ पे दो नेटवर्क आपके यहाँ है, दो नेटवर्क यहाँ है, 4 और 2 6, और इसके अलावा दो नेटवर्क और हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 8 नेटवर्क यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास एक राउटर है और आप अगर इसके अंदर राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फिगर कर रहे हैं, तो इसके साथ जितने भी राउटर जुड़े रहेंगे, लाइक कि अभी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल हुए, यहाँ पे आपके पास दो राउटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी ये जो राउटर है इसके साथ अगर आप देखेंगे इसका दो राउटर जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट राउटर रहेगा या सेकेंड या थर्ड, जितने भी राउटर रहेंगे, हर एक राउटर के पास हर एक राउटर की इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे कि अगर इसको हम राउटर 1 मानते हैं, ये आपका राउटर 2 है और ये राउटर 3 है, तो राउटर 1 के पास अपने राउटर के पास जो भी इंटरफेसेस हैं, जो भी नेटवर्क आईडी है उसको मालूम है, देन जो दूसरा राउटर है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके पे ऊपर कितने नेटवर्क है, यानी इस राउटर के ऊपर कितने नेटवर्क है, ये भी इसको मालूम है, देन इसके साथ जो अदर जुड़ा है इसको भी मालूम है कि इस पे कितने नेटवर्क है, यानी हर एक राउटर के पास हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन होती है।
कि उस पे कौन सा नेटवर्क है, कितने इंटरफेसेस हैं, किस इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क है। राइट right. तो क्या होता है, जब हम रिफ कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन देंगे उसको। जैसे कि अगर हमारे पास एक राउटर है, तो अगर इसमें हम तीन राउटर या चार राउटर जब ऐड कर रहे हैं, तो इसको मालूम होना चाहिए कि हमारे नेटवर्क के यानी हमसे जो राउटर जुड़े हुए हैं उसपे कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, उस इंटरफेस पे उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। ठीक है, तो यही कॉन्फ़िगर करके आपको ऐड करना होता है, बताना होता है। तो एक एक चीज कमांड के साथ हम देखने वाले हैं, कमांड भी हिट करेंगे और साथ में उसको यूज भी करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही सिनेरियो रहेगा हमारा। आप यहाँ पे राउटर की संख्या बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ राउटर की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको 16 राउटर लेना है या 16 से कम लेना है, जो भी लेना आप हम लोग लेके यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन नहीं, आज मैं चार राउटर यहाँ पे लेने वाला हूँ। चार राउटर हम लोग लिए यहाँ पे, राइट। तो राउटर पे आप अगर देखेंगे राउटर को, अगर आप जो मैनेजर राउटर रखते हैं, तो मैं इसको जूम कर दूं, तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पोर्ट है सभी ब्लैंक है, यहाँ पे कोई पोर्ट ऐड नहीं किया गया, सभी ब्लैंक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम है डब्ल्यू आई सी, जिसको वाइड इंटर कार्ड बोलते हैं, ग्लोबली कार्ड बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये आपको ऐड करना होगा, तो इसको ऐड करते हैं हम लोग फर्स्ट। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके पावर बटन को ऑफ करना है। अभी देख पा रहे हैं ग्रीन बटन जल रहा है, ग्रीन लाइट जल रही है, यानी इसका पावर ऑन है, इसको आपको ऑफ करना है। अब ये ऑफ हो गया, लाइट ग्लो करना बंद हो गया, तो ऑफ हो गई। अब यहाँ से डब्ल्यू आई सी आप पोर्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो डब्ल्यू आई सी टू टी अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर दो पोर्ट है, और डब्ल्यू आई सी वन टी जो है इसके अंदर एक पोर्ट है। तो मैं दो पोर्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आपका पोर्ट है, ये ब्लैंक इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ, ब्लैंक कवर। ठीक है, यानी इस पर हम कुछ पोर्ट नहीं ऐड कर रहे, देन आपको कर देना ऑन। ठीक है, सेम ऐसे ही सभी राउटर पे आपको करना है। तो एक एक करके हम यहां से अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पावर ऑफ करने के बाद आपको लगाना है, और लगने के बाद क्या करना है, फिर आपको पावर ऑन कर देना है। अगर आप पावर ऑन करके लगाएंगे तो पोर्ट ऐड नहीं होगा, वो बोलेगा फर्स्ट आप पहले पावर ऑफ करो इसका, फिर ये पोर्ट आप ऐड करो। ठीक है, तो हमारे पास राउटर चार यहाँ पे हैं, राउटर जीरो, राउटर वन, राउटर टू एंड राउटर थ्री। तीन राउटर, चार राउटर आपके हो गए यहाँ पे। अब चारों को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। बट उससे पहले हम इसको थोड़ा साइड करते हैं, अपने एक सिंगल नेटवर्क को पहले समझते हैं, फिर हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी के अंदर आपके पास एक ही राउटर है, और इस राउटर से हम नेटवर्क डिजाइन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक स्विच 24 पोर्ट का, और यहाँ पे हम लेते हैं तीन या चार पीसी। चार पीसी हमने ले लिया यहाँ पे, एंड इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। राइट, आपका ये नेटवर्क बन गया है यहाँ पे। अब इस नेटवर्क में हम लोग आईपी देने वाले हैं, यानी क्या आईपी इसमें हम देने वाले हैं वो डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आईपी देने वाले हैं राउटर के पास 192.168.1.1 का। ठीक है, ये आईपी हम असाइन करने वाले हैं। तो जब आप रियल टाइम में करेंगे तो आपको कैसे मिलता है, राउटर तो ऐसे रहेगा, बट अब जब सिस्को पैकेट रसे के अंदर करते हैं, तो आप नॉर्मली राउटर पर क्लिक करते हैं और सीएलआई मोड आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। बट जब आप रियल टाइम में करते हैं तो आप डायरेक्ट सीएलआई मोड को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उस समय आपको एक पुट्टी सॉफ्टवेयर आता है, उसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसका यूज करके हम राउटर के या जो भी आपके मैनेजर स्विच होते हैं उनके सीएलआई मोड को हम एक्सेस देते हैं। बट अगर आप सिस्को पैकेट से हम कर रहे हैं रियल टाइम इन्वायरमेंट जैसा, तो क्या करना है आपको, एक लैपटॉप ले लेना है यहाँ से, राइट, एंड देन यहाँ पे आपको कंसोल केबल को कनेक्ट करना है।
आपके राउटर के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और आपके लैपटॉप के RS232 पोर्ट से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हो गया ये कनेक्ट। अब यहाँ पे आप जाएंगे डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आप टर्मिनल पे जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके CLI मोड को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। बट इसमें आपको टेक्स्ट काफी छोटा दिखेगा तो मैं इसमें कन्फिगर नहीं करूंगा क्योंकि आपको टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट मैं राउटर के CLI मोड को एक्सेस कर लेता हूँ ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखे आपको, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर नो करना है, नो करके एंटर करना है। तो अभी आप नॉर्मल मोड में है, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। तो आपको फर्स्ट क्या करना होता है, प्रिविलेज मोड में जाना होता है, ही नहीं इनेबल मोड में आपको जाना होता है, जैसे कि स्विच के केस में हम लोग कर रहे थे सेम लाइक ये भी। तो यहाँ पे EN करके एंटर करना है, इनेबल मोड में आप आ चुके हैं। तो अभी हमें फर्स्ट करना क्या है, सबसे पहले हमें IP असाइन करनी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो राउटर पे हमारे पास कोई IP असाइन नहीं है, तो राउटर का किस पोर्ट पे असाइन करना है, तो आप देख पाएंगे हमारे FA0/0 जो आपके पोर्ट है, राइट, जो फास्ट इथरनेट 0/0 जो पोर्ट है उस पे आपको IP असाइन करने है। तो सिंपली क्या करना है आपको, उस पोर्ट को सिलेक्ट करना है। तो पोर्ट को सिलेक्ट करने से पहले आपके राउटर को कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, यानी आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन या चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ पे टाइप करना है कॉन्फिगर टर्मिनल, राइट, और एंटर करना है आपको। अब देखेंगे कि आप कॉन्फिगर मोड में आ चुके हैं और यहां से आपको पोर्ट को सिलेक्ट करना है, जिस पोर्ट पे आपको IP जाना है पहले उस पोर्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको IP ऐड करना है। तो पोर्ट क्या है, यहां पर देंगे इंटरफेस, इंटरफेस FA0/0 यानी फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं और यहां से करेंगे इंटर। तो अभी आप देखेंगे कि पहले हम इनेबल किए, इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे इनेबल मोड में आ गए, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल यहाँ पे प्रेस किया तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग आ गए। अब हमने यहाँ पे इंटरफेस चूज किया तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम लोग इंटरफेस को सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब इस इंटरफेस पर हमें IP देना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे IP एड्रेस और क्या देने वाले हैं, 192.168.1.1, राइट। फिर आपको स्पेस बटन प्रेस करना है और सबनेट मास्क देना है, तो यहां पे आप सबनेट मास्क दीजिए 255.255.255.0, ये बाय डिफॉल्ट CIDR वाले जो इसकी है हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, देन यहाँ पे करेंगे इंटर। हमने IP ऐड कर दिया, बट क्या होते हैं जो आपके राउटर होते हैं, जो इनके राउटर के इंटरफेसेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, शट डाउन मोड में होते हैं, तो आपको उसको इनेबल करना होता है। तो आपको कमांड चलाना है नो शट डाउन, यानी नो SH, इसको बोलते हैं नो शट डाउन कमांड। अगर आप नो शट डाउन कमांड चलाते हैं तो आपके पोर्ट क्या होंगे, वो ऑन हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। तो आपको एंटर करना है, अब देखेंगे कि आपके पोर्ट ऑन हो चुके हैं, ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो अब अपने PC के ऊपर भी हम लोग IP दे देते हैं 192.168.1.2.1.1, राउटर का IP जो होता है कि डिफॉल्ट गेटवे हमारा होता है, तो हम फास्टली यहाँ पे असाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सभी PC पे हम यहाँ पे देते हैं, एंड PC नंबर 3 पे भी हम लोग असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी एक नेटवर्क बनाया है और हमने क्या किया, यहाँ पे असाइन कर दिया IP। अब ये सभी PC आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी एक दूसरे के पास फाइल फोल्डर शेयर कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे और आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक नेटवर्क के अंदर है। क्लियर,
तो यहां भी हम लेते हैं एक स्विच को और कुछ पीसीबी यहां पे हम ऐड कर लेते हैं। तो मतलब इसमें भी चार पीसी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है इसमें, आप चार पांच जितने पोर्ट रहेंगे उतने पीसी लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं सेम नेटवर्क हमने एक और बनाया, बट इसका नेटवर्क दूसरा है, नेटवर्क आईडी दूसरा है। ठीक है, तो इस पे जो हम नेटवर्क देने वाले हैं वो देने वाले हैं 192.168.1.2.1। ठीक है, हम ये नेटवर्क देने वाले हैं यहाँ पे। देन इसके अलावा क्या करते हैं हम एक और नेटवर्क बनाते हैं, तो तीन नेटवर्क के साथ बना लेते हैं ताकि हमें ऐड करने में काफी इजी रहेगा। तो यहां भी हम एक स्विच को ले लेते हैं और यहां पे हम चार पीसी ले लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम यहां से कर लेंगे ऐड। राइट, और इसका एड्रेस हम रखते हैं अलग, इसका जो एड्रेस रहेगा 192.168.3.1 का रहेगा। ठीक है, चलिए एक राउटर और ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहेगा नेटवर्क डिजाइन करते समय, क्योंकि एक्चुअली यस्टरडे हमने तीन राउटर लिया था बट आज राउटर की संख्या हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहां भी हम लोग कुछ पीसी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसका भी एड्रेस हम अलग रखते हैं 192.168.4.1, ये हमारी यहाँ पे आईपी होने वाली है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सब में आईपी असाइन कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, देन हम आप आगे अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आईपी असाइन करते हैं, तो आईपी असाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पोर्ट को देखना है किस पोर्ट पे आप कनेक्ट हैं, FA0/0 पे कनेक्ट हैं। ठीक है, तो CLI मोड में जाना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको यहाँ से नो कमांड प्रेस करना है, देन आप ये आप नॉर्मल मोड में है तो इनेबल मोड में आपको आना है, EN बटन प्रेस करेंगे तो इनेबल मोड में आ जाएंगे। देन आपको कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल में आना है, फिर इंटरफेस सेलेक्ट करना है, फिर आपको आईपी देना है। तो ठीक है, तो इंटरफेस FA0/0 को हम सिलेक्ट करते हैं और आईपी एड्रेस रहेगा हमारा 192.168.2.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.255.0। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड में है, इसको क्या करना है, नो SH यानी नो शटडाउन कमांड चलाना है, तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आप नॉर्मली यहाँ पे अगर देखेंगे फिजिकली के अंदर भी तो फास्ट 0/0 के अंदर ये आईपी असाइन हो चुकी है। यहां भी असाइन करके आपको यहाँ पे ऑन पे क्लिक करना होता है, जो अभी आप पावर ऑन कर रहे हैं यहाँ पे ऑन बटन दिया हुआ है, यहाँ पे टिक मार्क करना होता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आईपी असाइन करते हैं अपने पीसी में, आईपी 192.168.2.2 2.1 राइट। आई होप आपको आईपी असाइन करना भी आ गया होगा डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, तो हमने इस नेटवर्क में भी आईपी दे दिया और चलते हैं दूसरे नेटवर्क में, पहले इनको पिंग करके देखते हैं हम। अभी ये दूसरे एक दूसरे से पिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये राउटर अलग है और ये राउटर अलग है और दोनों का नेटवर्क अलग है,
बट ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं, एक जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिंग 192.168.2.2 को पिंग करिए, आप 3 को पिंग करिए, 2 तो ऑलरेडी वही है। देखिए टीटीएल यहाँ पे आ रहा है, टाइम टू लिव पिंग हो रहा है ये। देन आप 4 को पिंग करिए, देखिए ये भी पिंग हो रहा है, टीटीएल यहाँ पे हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक नेटवर्क में है, ये आपका पूरा एक नेटवर्क में है जो भी आप देख रहे हैं। देन ये भी आपका एक नेटवर्क में है, ये भी एक नेटवर्क में है। ठीक है, तो जो भी एक नेटवर्क में रहेंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इस राउटर को भी। सीएलआई मोड पे जाना है आपको, यहाँ पे प्रेस करना है नो, देन आपको इनेबल करना है, देन अगेन आपको कॉन्फ़िग टर्मिनल इन कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन इंटरफेस FA0/0 एंड आईपी एड्रेस आपको ऐड करना है यहाँ पे 192.168.3.1 एंड स्पेस बटन प्रेस करना है और यहाँ पे सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0 और इसको कर देना है नो शटडाउन। ठीक है, जैसे नो शटडाउन करेंगे ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको आईपी असाइन करने के लिए। अब अपने पीसी में आईपी असाइन करना है एक एक करके 192.168.3.2। एक एक करके हम आईपी सेंड करते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हमने आईपी असाइन कर दिया। अब ये चारों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं पैकेट सेंड कर दिखाता हूँ आपको एक दूसरे को। देखिए सक्सेसफुली नीचे देखिए आप, है सक्सेसफुली सेंड हो पा रहा है। ठीक है, देन अब इस वाले राउटर को हमें कन्फिगर करना है जो कि 4.1 का आईपी है, तो इसके भी सीएलआई मोड को एक्सेस करना है। यहाँ पे करना है नो, इनेबल करना है, देन कॉन्फिगर टर्मिनल और इंटरफेस FA0/0 सेलेक्ट करना है, सेव रन जैसे आपने पिछले राउटर पे किया था। देन आपको आईपी देना है, आईपी एड्रेस 192.168.4.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसको भी करना है नो शटडाउन। ठीक है, राउटर पर हमने आईपी दे दिया, अब अपने पीसी पे आईपी देना है। एंड आपका जो डिफॉल्ट गेटवे होगा 4.1, जो राउटर का आईपी होता है वही आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो मैं थोड़ा फास्टली आईपी असाइन करता हूं ताकि हम लोग हायर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सभी राउटर पे आईपी दे दिया है और जितने भी यहाँ पे पीसी कनेक्ट सबके हमने आईपी दे दिया, यहाँ पे सभी असाइन कर दिया है। तो एक्चुअली मैं इस लैपटॉप को यहाँ से हटाता हूँ। ओके, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो चार राउटर है ये आपस में जुड़ के काम करें, यानी जो राउटर 0 के पास जो पीसी है वो राउटर 1 से बात कर सके, राउटर 3 से बात कर सके, राउटर 4 से बात कर सके। सेम लाइक जो राउटर 4 वाले हैं वो सभी पीसी से कम्युनिकेट कर पाए, सभी नेटवर्क से बात कर पाए। तो हमें क्या करना है, इन चारों राउटर को आपस में जोड़ना पड़ेगा। बट जोड़ने के लिए कौन सा हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, रिप। ठीक है, यानी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, रिप प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो रिप प्रोटोकॉल के अंदर क्या होते हैं,
आप 16 राउटर को एक प्रोटोकॉल के अंदर जोड़ सकते हैं, जो कि ये सभी राउटर को आपस में जोड़ रखने का काम करता है, जिसे हम राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर हम इस राउटर पे पहले वाले राउटर को कन्फिगर करेंगे, इन सबको वजह से ये तीन राउटर है, तो ये तीनों राउटर की इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगा, आपके एक राउटर पे रहेगा। जैसे ये राउटर है राउटर वन नंबर वन पाएंगे, तो राउटर नंबर वन के पास राउटर जीरो, राउटर थ्री एंड राउटर टू सबके यहाँ पे, यानी जो भी आपके तीन राउटर हैं सबके इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर राउटर अगर आप थर्ड पे आते हैं, तो राउटर वन, राउटर टू एंड राउटर फोर सबके इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी, राउटर थ्री के ऊपर। फिर अगर राउटर फोर पे आते हैं, तो राउटर वन, टू एंड थ्री, इन तीनों की इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी, राउटर फोर के ऊपर। ठीक है, तो ये एक राउटिंग एक तरह से ये टेबल बनाता है अपने अंदर, रिप टेबल बनाता है, रिप को कन्फिगर करता है, जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन लेकर रखता है कि हमसे कौन सा राउटर जुड़ा हुआ है और उस पर कौन से नेटवर्क आईडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उस पर आईपी क्या है। तो अब इन सबको जोड़ने वाले हैं हम लोग आपस में, ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें रिप के माध्यम से। तो फटाफट कनेक्ट करते हैं इनको हम लोग, एक राउटर से दूसरे राउटर को जोड़ते हैं हम लोग यहां से। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, चारों राउटर को एक वायर के थ्रू जोड़ दिया हमने, ठीक है। बट ये चार जो हमने यहाँ पे राउटर को जोड़े हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं आपके राउटर वन के ऊपर दो इंटरफेस हो गए, एक तो पहले जो थे FA0/0, अब यहाँ पे आपको सीरियल 0/0 मिल जा रहा है, तो एक और इंटरफेस है। तो आपको मालूम होगा राउटर के हर एक इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होता है, तो ये आपका इस पे नेटवर्क आईडी होना चाहिए, तभी तो काम करेगा ये। तो चलिए इस पे नेटवर्क आईडी क्या रहेगा वो डिसाइड करते हैं। जो इस पे हमारा नेटवर्क आईडी रहेगा 10.0.0.1 का रहेगा, राइट। सेम लाइक यहाँ हमारे एक नेटवर्क बन रहे हैं, यहाँ भी आईपी रहेगा हमारा 11.0.0.1 एंड यहां हम कर देते हैं 12.0.0.1, ठीक है, ये हमारी आईपी रहने वाली है। अभी क्लियर हो गया आपको? अब क्या है, ये जो इंटरफेस देख रहे हैं दोनों राउटर की, ये दोनों एक नेटवर्क में जुड़े हैं, तो इन दोनों को एक नेटवर्क आईपी चाहिए। फिर आपके ये जो इंटरफेस है दूसरे राउटर से लेके तीसरे राउटर के जो इंटरफेस है, ये एक नेटवर्क के अंदर है, और ये आपके जो चौथे राउटर है तीसरे और चौथे, ये आपका एक इंटरफेस है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आईपी देते हैं यहां से। सीरियल 0/0 पे आपको आईपी देना है, तो चलिए सीरियल 0/0 सिलेक्ट करते हैं हम लोग। सीरियल मोड में जाएंगे, अगेन इंटर करेंगे, इनेबल करेंगे, देन अगेन आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाना है और आपको इंटरफेस सिलेक्ट करना है। इंटरफेस क्या है आपका, SC0/0/0, सीरियल 0/0/0 को हमने सेलेक्ट कर लिया, और आईपी एड्रेस देने वाले यहाँ पे हम लोग 10.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0, और इसको कर देंगे नो सटम, ठीक है। अब आ जाएंगे अपने दूसरे राउटर पे, इस पे हमारा कनेक्ट है सीरियल 0/0 से ही कनेक्ट है, तो अगेन हम यहाँ पे आएंगे, एग्जिट करेंगे, इंटरफेस SC0/0/0 को सेलेक्ट करेंगे, आईपी एड्रेस सेट करेंगे 10.0.0.2 और सबनेट मास्क 255.0.0.0, इसको कर देंगे नो शटडाउन। अब देख पा रहे हैं ये दोनों यहाँ पे डॉट जो रेड थे वो ग्रीन हो गए, यानी ये दोनों राउटर आपस में ज्वाइंट कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है। बट अभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने रिप कॉन्फ़िगर नहीं किया, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर अभी नहीं किया है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं इस राउटर के पास जो सेकेंड नंबर राउटर है, इस पे तीन इंटरफेस हो गए, एक तो जो पहले राउटर से आ रहा है वो, फिर एक जो तीसरे नंबर राउटर से जुड़ा है वो, और ऑलरेडी इसके पास एक इंटरफेस था, तो इस पे तीन इंटरफेस है, यानी तीन नेटवर्क इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एग्जिट करते हैं इसको भी हम लोग, आईपी सेंड करते हैं, इंटरफेस SC0/0/1 आईपी एड्रेस सबमिट मास्क रहेगा 255.0.0.0
और इसको कर देंगे हम लोग नो सर डन। ठीक है, अभी हम आईपी दे रहे हैं, अभी रिप कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमने नया वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है राउटर को जोड़ने के लिए, इस इंटरफेस पे अभी हम लोग आईपी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिप कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इंटरफेस एफ ए सॉरी सीरियल है एस ई, कौन से पोर्ट है चेक कर लेता हूँ कन्फर्म। सीरियल 0/0 राइट, एस ई 0/0/0 एंड आईपी एड्रेस रहेगा हमारा इस पे 11.0.0.2 एंड स्पेस करना है। ओके, यहाँ पे नहीं प्रेस हुआ है 0.0.2 1 देते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड पे दे देंगे। ठीक है, 255.0.0.0 और इसको करते हैं नो शट डाउन। ठीक है, ऑलरेडी हमने 1 दे दिया है क्या? सीरियल 0/1 पे हमने यहाँ पे दिया है 1। इस पे आपको 2 देना है राइट, अगेन आपको पावर ऑन करना है क्योंकि सेम नेटवर्क सेम आपके होस्ट आईपी हो जाएंगे। ठीक है, इस पे आपके 0/0/1 पे क्या 11.0.0.1 है और इस राउटर पे आपके जो 0/0/0 है इस पे 11.0.0.2 है। ठीक है राइट, देन इस पे एक और इंटरफेस है 0/0/0/1 है तो उसको भी हम लोग आईपी देंगे यहाँ से। तो अगेन आपको एग्जिट करना है और इंटरफेस SC0/0/1 एंड आईपी एड्रेस इस पे हम लोग 12 के देने वाले हैं तो 12.0.0.1 का देंगे एंड 255.0.0.0 और इसको कर देंगे नो शटडाउन। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट राउटर पे, इसको एग्जिट करते हैं इंटरफेस SC जीरो स्लैश जीरो स्लैश जीरो आईपी एड्रेस रहेगा हमारा 12 का है 12.0.0.2 एंड 255.0.0.0 करते हैं नो सेटअप। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं इस पे 2 इंटरफेस हैं, कौन कौन से हैं? FA0/0 है, सीरियल 0/0 है। तो आपको कॉन्फ़िग भी जाना है, अभी आप देखेंगे FA0/0 पे हमारे आईपी हैं और सीरियल 0/0 पे हमारे 10.0.0.1 के आईपी हैं। इस पे 2 इंटरफेस है तो 2 आईपी रहेंगे, इस पे 3 इंटरफेस है तो 3 आईपी रहेंगे। कौन कौन से इंटरफेस है? FA0/0 पहले है तो FA0/0 पे हमारे 2.1 का आईपी है राइट। सीरियल 0/0 है, सीरियल 0/0 पे जाएंगे 10.2 का आईपी है इन क्लास ए का। सीरियल 0/1 पे जाएंगे तो 11 का है राइट। देन अपने थर्ड ऑर्डर पे जाएंगे, इसको भी चेक कर लीजिए आप। 0/0 पे 3.1 के आईपी है, सीरियल 0/0 पे आपके 11 के आईपी है एंड 1 पे क्या है 12 के आईपी है। ठीक है, और ये राउटर लास्ट है आपका, इस पे 2 इंटरफेस है तो 2 आईपी रहेंगे। एक तो सीरियल 0/0 पे है और दूसरा आपका फास्ट इथरनेट 0/0 पे है। ठीक है, तो क्या अभी आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि सभी वायर तो हमारे ग्रीन हो गए, क्या आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? कोई पैकेट भेजते हैं हम, देख पा रहे हैं पैकेट फेल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको रीच नहीं कर पा रहे, हमारे डेटा आगे मूव ही नहीं हो रहा है। रियल टाइम में जो आपके राउटर रहेंगे उस पर भी कुछ ब्लैंक पोर्ट रहेंगे, उसमें आप अपने तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट पोर्ट रहेंगी उसको आप परचेज करके ऐड करना होता है।
ऐड करेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार आप लोग को पूरे राउटर की फोटो में भेजूंगा ग्रुप में ओपन करके, और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और पोर्ट कैसे ऐड किए जाते हैं सभी चीजें मैं एक बार आपको फोटो भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास राउटर है सिस्को का, तो जो मैंने जो मैंने जो राउटर होते हैं जो मैनेजेबल राउटर होते हैं उसके पूरे फोटो मैं क्लिक करके आपको भेजूंगा, या फिर आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है, एक एक पार्ट को। बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं सेंड करूं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबको आईपी दे दिया है और सबको कनेक्ट कर दिया है, बट अभी तक हमने इसके अंदर रिप कॉन्फ़िगर नहीं किया। जब तक हम इसके अंदर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक ये हमारे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो एक एक करके कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपके राउटर पर क्लिक करना है, सीएलआई मोड पर जाना है आपको, और आपको इंटर करना है। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आईएफ यानी इंटरफेस सेलेक्ट है, तो आपको एक बार बैक जाना है, एग्जिट करना है। अब हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, रिप कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको लिखना है पे राउटर रिप और इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कन्फिग राउटर यानी राउटर के अंदर कन्फिगर कर रहे हैं वो भी रिप। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देगा आपको क्या क्या एड करना है रिप के अंदर। तो हमें जो एड करना है वो नेटवर्क एड करना है, तो हम यहाँ पे राउटर नेटवर्क आईडी देंगे। क्या क्या हमारे हैं यहाँ पे, नेटवर्क 192.168.1.0 का नेटवर्क है, राइट। इस पे कौन कौन से नेटवर्क हैं आप देखिए, 1.0 है और सीरियल 0/0 पे 10.0 है। तो अगेन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा नेटवर्क 10.0.0.0, इंटर करेंगे, राइट। हमने एक राउटर का इन्फॉर्मेशन इस पे दे दिया, अब चलते हैं दूसरे राउटर पे, इसका भी इन्फॉर्मेशन हमें देना है ना। तो नेटवर्क क्या रहेगा आपका इस पे, 192.168.2.0, राइट। इसके अलावा क्या है, 11 का भी है यहाँ पे, तो नेटवर्क 11.0.0.0 ऐड कर दिया हमने। फिर तीसरे राउटर पाएंगे, यहाँ भी हम ऐड करेंगे नेटवर्क, केवल नेटवर्क ऐड करना है, आईपी को नहीं ऐड करना, होस्ट आईपी को नहीं ऐड करना है, 192.168.3.0 एंड अगेन नेटवर्क 12.0.0.0 देन अगेन नेटवर्क 192.168.4.0, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक राउटर के ऊपर सभी ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। वही हम लोग कल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डायरेक्ट फिजिकली में आके रिप पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग आईपी को ऐड कर रहे थे। तो आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं या आप सीएलआई मोड से कर सकते हैं, दोनों से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक बार सीएलआई मोड से भी दिखा दें आपको, रिप कन्फिगर करके यहाँ पे ऐड करना है सभी आईपी को, 192.168.1.0 ऐड पे क्लिक करना है, 192.168.2.0 को ऐड करना है एंड 192.168.3.0 को ऐड कर दीजिए आप एंड 4.0, राइट। इसके अलावा क्या आपके 10 के आईपी हैं, 10.0.0.0 ऐड कर दीजिए इसको, 11 का है 0.0.0 इसको आप ऐड कर दीजिए, देन लास्ट में 12 का है। तो जैसे यहाँ पे आपके आईपी शो हो रहे हैं, आप फिजिकली कर रहे हैं मतलब यहाँ पे रिप को सिलेक्ट करके, सेम लाइक जो पहले राउटर में आपने कमांड मोड से किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे अगर रिप के अंदर तो आपको ये आईपी मिल जाएंगे सेम लाइक। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 10, 11, 12, 192.1.0, 2.0, 3.0, 4.0 सभी आईपी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने केवल इनको कनेक्ट किया है, अभी इस पे हमने राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल कन्फिगर नहीं किया, तो इन पे भी करते हैं। सीएलआई मोड का यूज करेंगे हम लोग करने के लिए, एग्जिट करेंगे, राउटर रिप एंटर करना है, नेटवर्क को ऐड करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूं थोड़ा फास्टली में।
नेटवर्क 10.0.0.0 ठीक है, तो हमने इस पे दे दिया। एंड चलते हैं फोर्थ राउटर पे, इसके भी सीएलआई मोड को एक्सेस करेंगे, यहाँ पे देंगे हम लोग विजिट करके, देन राउटर राइट नेटवर्क 192.168.1.0 160.3.0 एंड अगेन नेटवर्क 4.0 राइट। इसके अलावा जो आपके वाइड यानी WIC पे जो पोर्ट पे IP है वो भी देना है, 10.0.0.0 का है, 11.0.0.0 का है एंड 12 का है, 12.0.0.0 ठीक है। तो आप इसके फिजिकली जाके देख सकते हैं, आप कॉन्फिग पे जाएंगे, रिप पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर ये ऐड हो चुका है। अब इन सब के अंदर हमने क्या किया है, राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिगर कर दिया है। अब ये जो भी PC है सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलिए पिंग करके देखते हैं हम लोग, कमांड प्रॉम्प्ट चलते हैं और सबसे लास्ट वाले IP को पहले हम चेक करते हैं इसकी IP क्या है। यहाँ पे लिखेंगे IP config, जो इसकी IP है थोड़ा मैं जूम कर दूं, 192.168.4.2 है ठीक है। तो हम पहले वाले राउटर के जो PC है इसे पिंग करेंगे, पिंग स्पेस 192.168.4.2, वेट करते हैं। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, फर्स्ट टाइम क्या होता है पैकेज रिक्वेस्ट टाइम आउट होते हैं उसके बाद पिंग करते हैं राइट। अभी पिंग करिए, अभी पैकेज रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं भेजेगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम कोई पैकेट इसे सेंड करना चाहें तो इजीली यहां से हम इसको पैकेट सेंड कर देंगे। और इसको मैं सिमुलेशन मोड में आपको दिखा देता हूँ ये पैकेट आपके कैसे फ्लो होंगे। फर्स्ट पैकेट आपके यहां से जाएगा राउटर के पास राइट, राउटर से दूसरे राउटर के पास, फिर इसके बाद दूसरे राउटर के पास जाएगा, थर्ड वाले राउटर के पास, देन यहाँ से फोर्थ वाले राउटर के पास जाएगा एंड ऐसे करके आपके PC के पास चला आएगा। और फिर ये रिटर्न होके उसको रिस्पॉन्स दे देगा कि ये पैकेट हमारे आ चुके हैं, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड दिखा देगा।